राम राम कोडर्स, आई होप सबके बहुत अच्छे होंगे। एंड लास्ट वीडियो तक सबसे प्रॉब्लम था उसको देखा होगा, बिकॉज उसको देख के ही इसमें हाईली यूज होने वाला है। एंड ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, एंड जीएफजी को अगर मीडियम लिखा है रिकर्शन में तो क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे हो। ओके तो या एक बार मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एन दे देगा, ठीक है? शुभ, एन बेसिक एक नंबर है। आपको क्या करना है कि एन लेंथ का जितना पॉसिबल बाइनरी स्ट्रिंग का बनाना है, एंड उसमें वो बाइनरी स्ट्रिंग रिटर्न करना है जिसका हर एक प्रीफिक्स में वन ज्यादा हो जीरो से। मतलब क्या कंफ्यूज कर, जैसे एक बाइनरी स्ट्रिंग है ये 1 0 1 0 1, राइट? अगर तो आप कोई प्रीफिक्स रखते हो तो इसमें एक वन है, इस प्रीफिक्स में एक वन एक जीरो, इस प्रीफिक्स में 2 1 1 0, तो कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि 1 0 से कम हो जा रहा है। इस प्रीफिक्स में 2 1 2 0 एंड पूरा में 3 1 2 0, कभी भी 1 0 से कम नहीं हो जा रहा है ना शिव? 1 0 0 1, इसमें आप बोलो ठीक है भैया ओवरऑल तो 2 1 2 0 तो ठीक है, बट अगर आप ये प्रीफिक्स का बात करते हो तो इसमें सिर्फ 1 1 और 2 0 है, तो ये नहीं एक्सेप्टेबल। हर एक प्रीफिक्स में 1 0 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर कंसेप्ट? कैसे अप्रोच किया जाए इसको, पीएमआई से करोगे ना आप, चॉइस मेथड से करोगे जब अपनी लास्ट वीडियो में पढ़े? करण, इसमें चॉइस मेथड से विजुलाइज कर पाना बहुत ही आसान हो रहा है। जैसे कि हमने सबसेट वाले प्रॉब्लम में किया था कि हाँ हर एक नंबर पे हमारे पास ऑप्शन था कि कौन सा लेना है, सॉरी उसको राइट, लेना है या नहीं लेना है। देखो एन इक्वल टू 3 है तो 3 लेंथ का आपको बनाना है, तो आपके दो ही ऑप्शन, या तो 1 रखना है 0 और 3 ऑप्शन ही नहीं, तो अगेन दो ऑप्शन है। तो उसी तरीके से हम हर जगह पे चलते जाएंगे और एक मतलब हम अलग से काउंट करके रख सकते हैं जिससे हमको पता चले कि उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स में उस टाइम तक किसका अकाउंट ज्यादा है। तो शिव बोला कि कुछ काउंट वेरिएबल टाइप मेंटेन करने के लिए एंड देखने के लिए। देखो गाइस, एक तो मैं बेसिक्स आपको बताता हूँ क्या, कि आप तो सारा तो बना ही सकते हो। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो यू कैन मेक ऑल द स्ट्रिंग्स व्हिच आर ऑफ लेंथ 3, पॉसिबिलिटी 8 पॉसिबल, राइट? 2 का पावर 3 8, उसका कोड आप लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि या तो 1 रखना है या तो 0 रखना है। अपने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किए थे, या तो रखना है तो नहीं रखना है, तो अपने जब नहीं रखना किए थे इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 1 ऐड कर सकते हैं 0 ऐड कर सकते हैं, दो ही चॉइस सेम, तो अपने 8 स्ट्रिंग बना देंगे, ठीक है? अब हम 8 स्ट्रिंग में कोई ना कोई स्ट्रिंग एल्गोरिदम लगा के वी कैन चेक कि कौन सा स्ट्रिंग वैलिड है, इसमें वो पॉइंट वैलिड है कि पहला पॉइंट क्या था, N3 होना चाहिए, वो तो अपने सेटिस्फाई कर चुके हैं, N3 का सब बना दिया। दूसरा पॉइंट जो है कि उसमें हर एक प्रीफिक्स से 1 0 से ज्यादा है, हम चेक कर सकते हैं कोई ना कोई स्ट्रिंग एल्गोरिदम लगा के, आप आराम से कर सकते हो। एंड अगर वो वैलिड है तो उसको अपने फाइनल आंसर में पुशबैक कर देंगे। तो इस टाइप से अगर करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओवर 2 टू पावर n, राइट? हर एक बने तो, एंड क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट भी यही है गाइस, तो आप एक्सेप्टेड हो जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा, अगर मैं जो आपको कोड बोला, यू कैन जनरेट ऑल द लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n, एंड देन यू कैन चेक फॉर ईच स्ट्रिंग, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है ये क्राइटेरिया 1 मोर देन 0 वाला, देन इट्स करेक्ट, एल्स इट्स नॉट करेक्ट, एंड यू आर डन। तो काफी सिंपल सा अगर रिकर्शन का बात, तो बहुत सिंपल रिकर्शन, बस जो कल लिखे तो वही लिखना है एंड देन चेक करना है एक बार इटरेशन करके। बट हाँ, नाउ आई वांटेड कि आपका दिमाग थोड़ा खुले इस बार, तो कुछ और अप्रोच डिस्कस करना था। शुभ जिस टाइप का बोल रहा था लेट मी इलाबोरेट, शुभ होगा देखो, आई कैन टेक 2 वेरिएबल कि एट द पॉइंट बस अभी कितना बन है, एट द पॉइंट मेरे पास कितना 0 है, ठीक है? एक तो बड़ा शुभ कॉमन सेंस का बात है, अगर लेंथ 1 स्ट्रिंग का, राइट? तो वो 1 टू 0 ही 1 नहीं होगा, 0 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 अगर हो जाता है 1 टू, तो 0 1 से ज्यादा हो रहा है, 1 टू 0 है, 0 1 है, तो पॉसिबल नहीं, हमेशा 1 0 से ज्यादा या बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो ये तो श्योर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं एक वेरिएबल दूंगा शुभ 1 और 0, दो वेरिएबल यही है कि कीप अ ट्रैक अब तक कितना 1 में कितना 0 है, बस ठीक है? इनिशियल 0 है, मैं ना 1 है ना 0 है, ठीक है? नाउ लेट मी स्टार्ट, अगर सपोज n3 दिया हुआ है, ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बेस स्टार्ट, तो मेरे पास अभी शुभ दो ऑप्शन, या तो 1 या तो 0, तो मैं 2 लिया, या तो 1 या तो 0। अगर अभी मैं 1 लेता हूँ शुभ, तो मैं देख रहा हूँ कि 1 पॉसिबल है ना, 1 देना पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि 1 से 0 से ज्यादा है, इट्स पॉसिबल, यू कैन डू इट। करण, एक चीज तो बोल सकते हैं कि किसी भी केस पे 1 लेने में तो हमें सोचना ही नहीं, 1 तो हम लोग बिना सोचे समझे डाल सकते हैं। हाँ ऑब्वियस बात है, तो देखो शुभ अभी देखते हैं 0 में ही जीरो हम क्या लोग को जो कंडीशंस लगाना है सोचना वो है, 0 पे ही लगाना है। तो देखो शुभ अगर भी 0 तो मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, तो शुभ जो बोला 1 लेने के सोचना नहीं, सही बात है, क्योंकि 1 ज्यादा जितना भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, बस 1 कम नहीं होना चाहिए, तो 1 में कंडीशन नहीं लगाना चाहिए, तो राइट। तो मैं बोला 0 ले सकता हूँ, नहीं, क्योंकि देखो 1 0 0 0, अगर मैं 0 लेता हूँ 0 1 से एक्सीड हो रहा है तो ये पॉसिबल नहीं, तो नाउ आई हैव 1, ठीक है? अब फिर से दो चॉइस है, 1 या 0, क्या रख सकते हो आप,
वन यानी सोचना नहीं, यू कैन टेक इट वन, और जीरो जैसे आप सोचोगे ठीक है भाई एट द पॉइंट वन तो मेरे पास वन है, और जीरो जाऊंगा तो जीरो भी बस वन हो जाएगा, तो ज्यादा तो नहीं हो रहा, तो इट्स पॉसिबल आई कैन टेक दिस, नाउ आई हैव दिस टू। अब फिर नेक्स्ट आया फिर तीन रैंक थ्री ने शिफ्ट रैंक टू है, अब मैं दो ऑप्शन है वन या जीरो, तो वन तो ले सकता हूँ बिना सोचे जीरो, अगर अभी एट द पॉइंट मेरे पास वन टू है, अगर मैं जीरो देता हूँ तो जीरो मेरे पास कितना हो जाएगा शिफ्ट वन, एक भी अब तक जीरो नहीं वन हो जाएगा, तो अभी भी जीरो वन से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो इट्स फिजिबल अभी भी ले सकता हूँ ठीक है, तो वन वन जीरो इट्स फिजिबल करेक्ट, इधर आके देखते हैं शिफ्ट, वन लेने के बाद तो सोचना नहीं है, तो वन जीरो वन, अगर जीरो ले रहा हूँ मैं तो आई हैव टू थिंक अभी बस वन कितना एक है, अगर मैं जीरो देता हूँ शिफ्ट तो जीरो हो जाएगा टू राइट, अगर मैं जीरो ऐड करता हूँ तो जीरो टू हो जाएगा, तो क्या ये फिजिबल है गाइस? नहीं ये फिजिबल नहीं, तो आई वोंट कॉल, ये कॉल ही नहीं करूंगा, खत्म, इतना तो लूप है ना। अब अगर इसके आगे मैं कॉल करता हूँ तो सिंस एन थ्री लिया हूँ मैं तो एन फोर हो जाएगा, तो रिटर्न जीरो, आई विल रिटर्न नल वॉइड, कि इसके आगे पॉसिबल ही नहीं आपको, तो आई विल स्टोर दिस स्ट्रिंग इन सम आंसर पॉइंट, तो यही है वन टू दिस सी आर माई आंसर, इतना पॉसिबल आंसर दैट्स इट। तो हाँ काफी सिंपल हो गया बस, तो अगेन अगर मैं समराइज करूं तो अगर अपने को वन ऐड करें तो सोचना ही नहीं क्यों, कि हमेशा वन जितना भी ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक स्ट्रिंग वैलिड था अगर उसमें वन ऐड करे हो तो कभी वो कभी कंडीशन वैलिड होगा नहीं, कंडीशन के वन हमसे जीरो से ज्यादा रहना चाहिए, और अगर स्ट्रिंग वैलिड था तो उसमें वन और जीरो का कंडीशन नॉर्मली ठीक था, और उसमें अगर आप ऊपर से वन ऐड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट अगर आप जीरो ऐड करे हो तो अपने को ध्यान रखते हैं कि जीरो कभी भी वन से ज्यादा ना हो जाए, इसलिए इस केस में अगर मैं जीरो ऐड करूंगा शिफ्ट तो जीरो वन को एक्सीड कर जाएगा, तो ये क्वेश्चन में मना किया गया है, तो आई वोंट डू दिस ठीक है, बस इतना ही तो है, एंड आई होप ये समझ में आ गया क्वेश्चन, आपको समझ में आया ना, अच्छा कोई लौटा कर दिखाना तो इस टाइप का है, तो आई रिकमेंड यू कि पहले तो आपको वो द फर्स्ट कोड में आपको समझाया वैसे लिखो, वो भी आराम से बन जाएगा, देन पी वाला ये कोड को भी लिखो एक बार, डॉक्टर अंशु हम अपने इसको चॉइस मेथड से दे राइट पी एम आई न्यूज केस में, क्योंकि चॉइस वैसे ईजी हो रहा था, ओके कैंसिल ले लेते हैं शुभ, एंड इनिशियली लेट मी कॉल सम फंक्शन, फंक्शन क्या करना है आंसर पास कर देना है, इनिशियली वन जीरो है, इनिशियली जीरो भी जीरो है, एंड दैट्स इट, एंड इनिशियली टेम्पररी स्ट्रिंग देना पड़ेगा, कल आपने ये थे टेम्पररी वेरिएबल ये थे टेम्पररी स्टोर करने के लिए, कहीं ना कहीं स्टोर तो करना है ना, एक टेम्पररी स्ट्रिंग ले सकते हो, यस ठीक है दैट्स इट, और जो भी आपका अटेंड आंसर है उसे रिटर्न कर देना है, जो भी आपका आंसर आएगा रिटर्न करना है, साइज भी पास करना पड़ेगा ना, हाँ एन भी पास करना पड़ेगा, सही है, क्योंकि एन अगर रीच हो गया तो आपको नहीं कर सकते, एंड अभी आप कहाँ पे हो तो वो भी आपको रखना पड़ेगा, अभी आप कहाँ पे हो तो अभी आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, नाउ यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ठीक है, वर्ड फंक्शन वेक्टर स्ट्रिंग एड्रेस ऑफ आंसर, ये दिस इज द नंबर ऑफ वंस राइट, नंबर ऑफ जीरोस, और एक एक टेम्पररी स्ट्रिंग है टेम्प राइट टेम्पररी इंट एन इंट आई, आई मतलब अभी जहाँ पे हैं हम, मैं उसको हमसे आई लेता हूँ है ना, तो अगर आई अगर एन हो गया तो आप एन तक पहुँच चुके ऊपर स्ट्रिंग का, तो और तो आपको लेना है नहीं, तो क्या करोगे जैसे हमने कल सबसे पहले क्वेश्चन में की, तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना, अगर नहीं देखते हो तो क्या करोगे आप इसमें आंसर में पुशबैक कर दोगे जो टेम्पररी स्ट्रिंग है आपका राइट शिव रिटर्न, इतना तो खत्म, अब अगर आई एन नहीं है तो अपने पास दो चॉइस तक आई जैसे वन या जीरो, और मैं अभी आपको वन देने के बाद अपने को सोचना नहीं है, वन तो ले सकते हैं कभी भी, तो वन तो ले लो, फंक्शन कॉल कर दो आंसर तो एज इट इज है शिव, वन अगर हम ले रहे हैं तो वन को बढ़ाना पड़ेगा, वन जाएगी जीरो को बढ़ाना है नहीं, जीरो कोई दिक्कत नहीं, टेम्पररी में क्या करेंगे शिव ऐड करना पड़ेगा वन, टेम्पररी वन ऐड कर दिया, एन तो एज इट इज है, आई को मैं बढ़ा दिया एक इंडेक्सिंग का काम होगा, नेक्स्ट इंडेक्स पर आप जाओ भाई, बस आराम से लॉजिकली सोच रहे हैं, लिख रहे हैं कोई बड़ी बात, अब जीरो हमेशा हम लोग हमेशा ले नहीं सकते कंडीशन में, तो क्या करना है अगर अभी जो जीरो है उसमें मैं अगर और एक जीरो लेता हूँ शुभ, अगर ये वन से ज्यादा हो जा रहा है मेरा तो मैं नहीं ले सकता राइट, तो मैं नहीं ले सकता, तो अगर ये लेस देन या इक्वल टू है तो आई कैन टेक इट राइट, अगर लेस देन या इक्वल टू और एक जीरो लेने के बीच में भी नहीं ले सकते करें, नहीं ले सकते ना शुभ, क्वेश्चन बोला देखो वन जीरो एक्सेप्टेड आउट, तो एक वन एक जीरो अगर इक्वल है, अच्छा हां सॉरी प्लस वन यहां पर किया सॉरी, हां तो अगर एक जीरो लेने से भी इक्वल आ रहा है मेरा वन से तो ले सकता हूँ फिजिबल, तो आई कैन कॉल द फंक्शन क्या आंसर वंस, अब जीरो से प्लस वन करूंगा राइट शिव, एक जीरो ले चुका हूँ मैं टेम्परेरी में क्या ऐड करूंगा जीरो राइट एन आई प्लस वन, पर अगर ये कंडीशन है तभी आगे बढ़ेगा ठीक है, नहीं तो हमेशा ये कॉल नहीं होगा, एज क्लियर आई होप नाउ दिस शुड वर्क फाइन, हम पहले एन ओके कैपिटल एन
स्मॉल कर देते हैं. नाउ दिस शुड वर्क. हाँ आंसर तो यही है 1110 राइट. देखो दोनों एक्सेप्टेड है, टू लेंथ का है दोनों, इन दोनों में 1 0 से ज्यादा है, बराबर है. आई थिंक ये काम कर जाएगा. ओके या इट्स वर्किंग. काफी इजी, कोई इजी तो नहीं, अच्छा क्वेश्चन है शुभ. एंड जिस टाइप से अगर हम लोग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तब तब हम तक इजी होता है, अगर सीरीज को सीक्वेंशियली फॉलो किया जा रहा है तो बन जाएगा आराम से. एंड जो मैंने पहले आपको कुछ बताया, सबसेट वाला वैसे भी बना सकते हो आप, जो कि रिकर्शन बहुत छोटा सा रहेगा उसमें, या 1 0 जरूर ले लो, चेक करो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. इट्स ऑब्वियस हाउ यू डू. टाइम दोनों में टाइम कंस्ट्रेंट्स को पास कर जाएगा. एंड इससे आप थोड़ा सीखने को मिला शुरू, राइट, रिकर्शन में थोड़ा कैसे कंडीशन वगैरह लगा पा रहे, रिकर्शन के अंदर इफ लूप लगा रहे, कॉल करें. Yeah, guys, this was all about today. I hope you question आपको अच्छा लगा होगा. And अच्छा लगा तो please do share. अगर बाकी बच्चों को भी advantage थोड़ा मिल जाए. ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.